कपड़ा भी करने हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ये देखो माता रानी, माता रानी के लिए क्या क्या ले रही। मनी जी लाइट लगा रहे। मनी आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे। वैसे हम भी ठीक है। और सबसे पहले गाइज आप सबको अ वेरी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और धनवंतरी भगवान जी आप सब पे कृपा करे, आपके रोग कष्ट हरे, रोग कष्ट किसी को ना लगे और धन से आपका भरा रहे घर। So very very happy धनतेरस to you all and have very happy Diwali to you all। So guys आज शाम को धनतेरस की पूजा है। So अभी मैं और मनीष हम धनतेरस की सामान लेने जा रहे हैं। तो मैं और मनीष हम धनतेरस की सामान लेने जा रहे हैं। So ये आप सबको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ गाइस। सो और आज का दिन कैसा जाता है, कैसा रहता है, मैं आप सबको दिखाऊंगी गाइस। So बने रहिए मेरे चैनल पे, stay tuned। क्या कहना चाहते हो? हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। भगवान सबके घर में बहुत सारे खुशियाँ, वेल्थ, हेल्थ, और सबके घर में पीस लाए। पीस मतलब शांति, पीस पीस नहीं, शांति लेके आए। और हमारे लिए भी यही प्रे करना। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए गाइस। और प्यार देते रहिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाए। बस हमें मतलब ये हम जा रहे हैं कुछ सामान लेना। आज एक्चुअली मैं सोची कि कुछ पीतल का सामान ही ले लेते हैं, तो पीतल का सामान ही ले लेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। और वहीं पहुँचने के बाद हम सबको मिलते हैं। शॉप में आ गए हैं। लंबा वाला दिया चाहिए उड़ा। वैसे वो तो ज्यादा लंबा हो रहा है ना हम लोग के पास। कपड़ा भी खरीदने लेने आए हैं घड़ी, वॉल क्लॉक। पर अजंता को घड़ी राम यो हम पहले हमारे घर में ऐसा वाला था, बाद में घर जाके दिखाएंगे आपको। जब हम डेकोरेट करेंगे घर तब दिखाएंगे। स्नोफिनो का भी ले लिया खाना रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ भाई जा रहे हो और दिया और के लिए ये तो पड़सी चाइन जा रहे चाइन में और दिया माटो को ठोलो वाला लो चुकी तो उसमें जला नौ कर लगी। पांच मुख का दिया चाहिए ना तो माटी को पांच मुख का दिया नहीं। यहाँ से भी हम सामान ले रहे हैं। और ये देखो माता रानी, माता रानी के लिए क्या क्या ले रही है। मैडम हो गया आपका? हो रहा है, ले रहे हैं। हो गया।
करना कर दो ओके बस फाइन और कुछ नहीं बस अभी और यहाँ पे वर्षा किचन में कर रही है, निशा यहाँ पे कर रही है। हेलो वंदन नहीं कहती के सो अभी हम घर का काम करेंगे और लाइट्स भी लग रहा है, दिखा देते आप सबको। बालकनी में लाइट लगाने के लिए भैया आए हैं, दादा। थोड़ा कनेक्शन नहीं था यहाँ पे, तो इस वजह कनेक्शन के लिए यहाँ बुलाया इनको। हेलो दादा, क्यों लगता है ले? ये तो हमारा अपना नहीं तो? हाँ। हमको देखिए खोले चले। हाँ। हाँ देखिए गाइस, अभी का पटाका। हाँ। मिक्की माउस है? चल पूरा घर अरेंज नहीं हुआ भाई, इस बात में मैं दिखाऊंगी। अभी तो कुछ ऐसा है हमारा घर का हालत, मतलब यहाँ साफ सफाई कर रहे थे इस वजह से थोड़ा सा सोफा इधर दिख रहा है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, एक मिनट, ये मंगाया मैंने 250 फ्रॉम फ्लिपकार्ट, मसाला रखने के लिए। नाइस, अच्छा है, मजबूत है। वर्षा देखो ये किचन के लिए लाया मैंने, ऑर्डर किया था, इसमें रखना पड़ेगा। देखो अच्छा, सॉरी वर्षा अभी घर साफ कर, किचन साफ कर रही है। अभी मैं फटाफट काम करूंगी और मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस आप सबको। ये मंगाया मैंने 250 फ्रॉम फ्लिपकार्ट, मसाला रखने के लिए। 9 के लिए लाया मैंने, ऑर्डर किया था, इसमें रखना पड़ेगा। किचन साफ कर रही है, अभी मैं फटाफट काम करूंगी और मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस आप सबको। यहाँ पे मनीष और निशा लाइट्स लगा रहे हैं और मैं किचन में कर रही हूँ, तो लाइट्स का तैयारी हो रहा है। निशा बरसा खाना खा रही, आई मीन यहाँ भी खाना खा रही है, उसमें फिर देखिए गाइस मेरी हालत कुछ ऐसा है। मैं यहाँ मिला रही बिकॉज मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था गाइस डब्बा, इसे सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। खत्म नहीं होता यार इतना करने के बाद। सो मनीष जी लाइट लगा रहे, मनीष लाइट होने के बाद खाना खा लो ना पहले, भूख लग जाएगा यार। तो अभी लाइट लग रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। ऑलमोस्ट हो गया भाई, जल्दी लाइट। अभी मैं यहाँ साफ सफाई करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद दिखाएंगे। वैसे ये तो मैं डायरेक्ट दिवाली के दिन में भी दिखा सकती हूँ, ये धनतेरस के लिए नहीं हो गया। गाइस हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। अभी हम लोग जस्ट पूजा करने वाले हैं, मैंने था मतलब मैं मंदिर में ला रही हूँ, उन्हें सजा रही हूँ और हम पूजा करेंगे। वो देखिए कैसा है, तो नहीं मीठा तेल खाने का कोशिश कर रहा है, नहीं घास गिरा है ना चावल खाली पेट भर। चावल खा रही है गाइस, देखो खोलो मुट्ठी, खोलो देखो गाइस, खोलो मुट्ठी, खोलो दिखा दो, देखिए चावल चोरी करके खाता है ये बच्चा, भगवान का वो भी। जब पेट दर्द होगा ना तो तब क्या आटा गुने भगत बोले दिन चावल तो फिर आपको पूरा ही दे देंगे। आप भी नहीं पूछो करो, हम दे दो आपके लिए, आप ये भी नहीं देगा। गाइस ले दे सही या सुन दे सो गाइस ले Close your eyes.
हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, बीवे से झुके रहो, झुको करो, वेरी गुड। ज्ञानी नानी त्यो अघिल्लाको दोन प्रेजेन्ट दो, प्राइज दो त प्राइज दो, लक के ल्याथे नि के प्रेजेन्ट त्यो छ अहिले म निकाल्छु। सबैले हेप्पी धनतेरस। अभी मैं यम का दीपक बना रही हूँ। सो ये यम का दीपक चढ़ाना पड़ता है तो कुछ इस प्रकार से। सो ये रहा यम का दीपक, अब हम इसको जलाएंगे। यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु से बच सकते हैं गाइस, इसीलिए ही यम का दीपक जलाया जाता है। तो आपके घर के जितने भी सदस्य उनका नाम लेके आप इस दीपक को ऐसी जगह में जलाए, मतलब साउथ डायरेक्शन में जला सकते हैं। तो ये अभी हम जलाएंगे, चार कोना बना के इसको हमको जलाना पड़ेगा। मैंने यम का दीपक रेडी कर दिया, अभी जला देंगे यम का दीपक। मैंने जलाएंगे यमराज को याद करके। चलो हम जलाने जा रहे हैं यम का, साउथ डायरेक्शन इस तरफ जला दो ना, पूना तरफ। हम लोग थोड़ा प्रसाद मिठाई खा लेते हैं, हमने घर तो अभी कुछ डेकोरेट नहीं किया। जिस साउथ आज लगाएंगे पर्दा वाला, इसका ये रूम का आपको अलग ही दिखेगा। अभी तो ऐसा है खाना, मिठाईहरू खाना, यतिकै फेरि यो यतिकै रन्छ फेकिन्छ। हेप्पी दिवाली, यहाँ हेप्पी दिवाली भन। और ये हमारे बच्चे यहाँ पे अभी हैप्पी दिवाली पे लाइट भी लगा लिया, वाओ है ना खूबसूरत। हैप्पी धनतेरस और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और क्या रहिए अभी हमने पूजा वूजा कर लिया। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगी। सो गाइस आज के दिन धन्वंतरी जी को पूजा जाता है, धन्वंतरी और कुबेर जी को। वैसे धन्वंतरी है हेल्थ के देवता, आयुर्वेदिक के जो मेडिसिन के भगवान, आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो भगवान हैं वो है धन्वंतरी। तो आज के दिन में ऑब्वियसली मैंने मेडिसिन भी रख के पूजा था, आपने देखा होगा क्या ही कहूँ, थायराइड है तो उसी का मेडिसिन को रख के मैंने पूजा था। तो जो भी जिनको भी कोई रोग कष्ट है तो आप ज़रूर अपना मेडिसिन रख के पूजा करिए। तो लक्ष्मी पूजी को पूजा जाता है वेल्थ के लिए, कुबेर जी को पूजा जाता है ट्रेजर ऑफ वेल्थ के लिए, और धन्वंतरी को पूजा जाता है हेल्थ के लिए, बिकॉज हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है। दिवाली बाय। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा दौलत जो है शरीर का स्वस्थ रहना है, वो है हेल्थ है। और सिर्फ पैसा ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, इवन हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि अगर हम स्वस्थ है तंदुरुस्त है तभी हम वेल्थ कमा पाएंगे, वरना अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपना सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ गाइस इतना ही कहना था, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्या लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अगर नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड दूसरा ओल थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। हैप्पी दिवाली गाइज, हैप्पी एंड सेफ दिवाली, बाय बाय।